जैसा संघ प्रमुख ने कहा, जैसा अन्य वक्ताओं ने कहा कि भारत जिनसे आकार लेता है, जो भारत की श्वास प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है, चाहे वो व्यवसाय जगत के लोग थे, चाहे वो फिल्म जगत के लोग थे, साहित्य से, कला से, इंजीनियर्स, अलग अलग लोग, तो एक तो साधु संत, एक तो पुनर्मिलन हुआ। एक कार सेवक मिले जिनके पैर में गोली लगी थी, वो मिले, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो उस समय, जैसे एक शायद लोगों को ना पता हो, सत्यदेव नारायण मौर्य बाबा जी, बाबा कहते हैं उनको, उसने पहली बार नारा दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उसने नारा दिया था। वो आज आदमी मिला, तो जैसे ही क्षण आया वो मुझसे लिपट के रोने लगा और मुझसे बाबा बोलने लगा कि प्रभु अभी प्राण चले जाए तो भी दुख नहीं, जिस काम के लिए आया था वो हो गया। तो ऐसे लोग भी हैं। एक बात मानक आज प्रधानमंत्री जी ने कही और वो बात विश्व की सारी राजनीति को समझनी चाहिए कि आप बहुत सारे लोगों की भावनाओं को अपने जनबल से, अपने अनएथिकल बल से, अनैतिक बल से, है ना, और अपनी सत्ता से, अपनी तुष्टिकरण से दबा तो सकते हैं, लेकिन जितने दिन वो पृथ्वी की गर्भ में आग पलेगी उतना बड़ा ज्वालामुखी फूटेगा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सब कुछ बहुत सकारात्मक था और एक सात्विक आयोजन था, उसमें कहीं आक्रोश नहीं था, बिल्कुल उसमें कोई जिसे कहते हैं ना एग्रेशन नहीं था। इनफैक्ट पीएम ने कहा भी राम विजय के साथ साथ विनय की भी साक्षी है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने वो जानबूझकर बोला जी, और आपने नोट किया होगा, आप तो पत्रकार हैं, आपने तो गिन भी लिया होगा, शायद 7 या 8 बार उन्होंने राम से राष्ट्र की यात्रा प्रारंभ की। तो एक बड़ा संकेत है कि देश जिस दिशा में जा रहा है वहां केवल राम का मंदिर नहीं बल्कि राम का आदर्श। और इस विषय में उनसे पूर्व जो संघ प्रमुख ने बात कही कि प्रधानमंत्री ने अपनी तपस्या करी, ऋषियों ने अपनी करी, सबने अपनी, हम क्या कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात थी। मैं तो ये नहीं सोचता था कि इतना अद्भुत कार्यक्रम होगा और विशेष रूप से उन हजारों हजार स्वयं सेवकों को। आपको एक बात बताऊं जी, मैं तो चप्पल पहनता नहीं यहाँ पर, बिल्कुल, तो बिटिया ने चप्पल पहन रखी थी और हमारे साथ जो इसके पति हैं उन्होंने भी चप्पल पहन रखी थी, तो वो हम जमा करने के लिए गए पादुका सेवा में, वहां जो स्वयं सेवक थे जैसे ही चप्पल छूने के लिए नीचे झुके, उन्होंने कहा नहीं आप मत छूइए, मतलब कोई किसी को चप्पलें नहीं छूने दे रहा है। लोग चप्पलें उठा के रख रहे हैं, हाथ को सैनिटाइज करवा रहे हैं, वापस आने पे फिर हाथ से पहना रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से शबरी का जिक्र किया जी, कि ये शबरी की प्रतीक्षा का अंतिम पल है, फलादेश है, जिसमें उसने कहा था मेरे राम आएंगे। तो बड़ा अद्भुत पल, शबरी है, गिलहरी आई, जटायु आए, सब कहानियां जो मैं आपकी राम कथा में सुनता रहा हूं प्रभु कुमार, उस तमाम जिक्र आज प्रधानमंत्री के भाषण में देर सुनने को मिले। सौभाग्य है, आपने भाषण लिखा था? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। प्रधानमंत्री जी का कौन भाषण लिख सकता है, वो स्वयं अपनी आत्मस्फूर्ति से बोलते हैं जी। और ये बड़ा मुझे भी सुख लगा क्योंकि सभी लोग मुझसे मिल मिल के कह रहे थे कि अपने अपने राम का सारा सार वहां से बोला जा रहा है। तो यही मेरा भी मन है कि वो बात प्रतिध्वनित हो और उनको पूरा विश्व सुनता है, इसलिए उनके माध्यम से हुई। खासतौर पर जब मैं निकल के आया अभी रास्ते से, तो दोनों तरफ जो अयोध्या के नागरिक खड़े हुए हैं, मतलब मैं ये अनुभव कर सकता हूँ कि 14 वर्ष बाद जब राम लौटे होंगे तब ऐसी ही आंखें होंगी। हर आंख कौशल्या थी, हर छाती भरत थी और हर भुजा शत्रुघ्न थी। क्या बात है, क्या बात है, अपने अपने राम। के सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिले हैं, सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिले हैं, आ जाओ सब चले आओ सब, आ जाओ इस जगह सभी को, अपने अपने राम मिले हैं, 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 मंगल भवनया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैंने आपसे कल कहा था आपके शो में, राम धर्म का विषय नहीं है, बिल्कुल
राम कृष्ण और शिव इस प्रकृति की चेतना का विषय है। उन विषयों के विपरीत जो जाएगा उसको सदगति नहीं मिलेगी। और आज मेरी आंख एक स्वप्न और देख रही थी जी, वहां बैठे बैठे जी, कि हम और आप इसी वर्ष या एक दो वर्ष बाद ऐसा ही सुख स्वप्न मेरे कन्हैया के दरबार में भी देखेंगे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जो जो ना लूट पाए उनके लिए क्या बोलेंगे। गोस्वामी जी पहले ही लिख के गए, जिनके पास निमंत्रण था और आने से स्वीकार किया, गोस्वामी जी उनके लिए कहकर गए कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। इतना पवित्र अवसर था, लोग कह रहे थे किसने बुलाया है, भाजपा ने बुलाया है, संघ ने बुलाया है, अरे मेरे को यमराज ने भी बुलाया हो, राम का बुलावा आया तो जाएंगे यार, इसमें क्या देखता है, क्या फर्क पड़ता है किसने बुलाया है। राम ने बुलाया है, भगवान ने बुलाया है कि आओ देखो क्या अद्भुत विग्रह बना है। उस मूर्तिकार के भी दोनों हाथ छूने का मन करता है, साक्षात बोलती हुई प्रतिमा है बिल्कुल, और इतनी सुंदर। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग थे कोई वरीयता नहीं थी। देश के सबसे बड़े उद्योगपति को मैंने वहां मेरे साथ लाइन में, जो कि अचानक मेरी नगाह टकराई और उन्होंने हाथ बढ़ा के हमने दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, वो भी इसी लाइन में थे। देश की सबसे महत्वपूर्ण दो तीन अभिनेत्रियां वो इस बच्ची के पीछे खड़ी थी। मैंने कहा बेटा, देश के इतने वरिष्ठ मंत्री मेरे मेरे सांसद हैं, वो जनसा वो आगे खड़े हुए थे, और साधु संत सामान्य फकीर सब निहंग सिख सब लगे हुए थे। जब आप दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि आप आए हैं इसलिए मैं, बहुत से लोगों ने देखे नहीं है, हम सब बहुत क्यूरियस है, जिज्ञासु हैं, तो ऐसे करके दर्शन करने पड़ते हैं? नहीं 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 नहीं, हाँ। आप जिस स्थल पर हैं, है, क्योंकि हम, नहीं, नहीं, उतनी नहीं है जी। उनका जो स्थान है जहाँ पर पद स्थापित किए गए हैं भगवान, वो थोड़ा सा ऊंचा, मेरे ख्याल से 2.5 फीट होगा वो, और उस पर भगवान का विग्रह है 5 फीट का। तो आप जो है ना, जिस तरह भगवान से आपको बात करनी चाहिए, उस मुद्रा में आपके हाथ स्वतः जुड़ जाते हैं। ये शायद आगे आने वाले वक्त में जब आम दर्शक के लिए खुलेगा तो आपको दूर से देखना होगा, शायद आप उसके पास तक नहीं जा सकते, ऐसा भी कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अच्छा। विग्रह का जो गर्भगृह का कपाट है, हाँ। उसके बाहर से लौटाना पड़ रहा है लोगों को, सभी जो वहाँ सेवादार लगे हुए थे, हमारे बहुत प्रिय अनुज हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास थे। अच्छा। लेकिन सब लोग हाथ जोड़ रहे थे कि भैया आज सिर्फ निहार भर लो, हमने कहा इतना ही काफी है। तो मेरा तो सौभाग्य रहा कि मैंने उन्हें निहारा भी, और चूंकि वहां जो सेवादार थे सभी प्रेमी थे, तो सबने थोड़ा घेरा बनाया, तो मैं साष्टांग लेट भी गया भगवान के चरणों में। तो ये भी आनंद, क्या बात, आप हम आपको छू लेते हैं, हम आपको छू लेते हैं। ये एक चीज और बताइए, ये हम लगातार सुनते रहे पढ़ते रहे कि आंखों से पट्टी हटेगी, दर्पण निहार होगा, वो सब चीजें हुई कि नहीं हुई, उसके बारे में कुछ बता सकते? नहीं, जो बाहर से दिख रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई जी, जो सदगृहस्थ वहां थे, उन्होंने बाहर स्क्रीन पे ही देख रहे थे, स्क्रीन पे ही देख रहे थे। अच्छा। और सबसे अच्छी बात है कि चंपत राय जी ने जो उसकी कमेंट्री की, अच्छा, वो बड़ी अद्भुत थी। अरे वाह। और प्रधानमंत्री सब जगह घूम के गए, जितने लोग थे सबको उन्होंने प्रणाम किया, और बड़ा भावुक क्षण था जब वो आए। दो बातें, राजनीतिक रूप से ना सुने जी जी जी, कोई भी राजनीतिक रूप से ना सुने। कोई व्यक्ति जीवन में संकल्प लेता है कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा, बाधाएं आती हैं, विरोध होता है उसके बाद। तो मैं सोचता था कि आज ये जो हाथ में मुकुट लेके ये जो व्यक्ति सामने आ रहा है, ये वही व्यक्ति है जो अडवाणी जी के रथ के सारथी थे, और जब इनको बिहार में रोका गया होगा और पुलिस ने पकड़ा होगा और घेरा होगा चारों तरफ से, उस समय की जो भाव होंगे, विरोध, रात को रुके हैं, खाना नहीं मिला, लाइट काट दी गई, रास्ते में लोगों ने काले झंडे दिखाए रथ को, है ना, दंगे हो गए बिल्कुल, और आज उस सब पर विजय पाकर जिस सपने के लिए वो आदमी जागता सोता था और ऐसा हाथ में रख के जब वो चल रहा था, तो मुझे याद आया विक्रमोर्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता, जैसे जंगल में शेर निकल के आता है ना कि आ गया मैं यहाँ पर आ गया, जिसको जो करना। मतलब मैं कोई बहुत पार्टियों वार्टियों से प्रभावित नहीं होता, बट मेरे लिए फैन मूवमेंट था। अच्छा। क्योंकि मैंने खुद ने ये सब किया है अपने जीवन में छोटा सा, कि कवि जो है वो बड़ा नाचीज सी चीज होती है, लेकिन आज ये बिटिया थी देख रही थी कि कवि ऐसी चीज नहीं होती है, बड़े से बड़े अभिनेता सब जो है बराबर है, सब नहीं, सब आके अरे भाई भाई। तो मैंने अपना संघर्ष किया है वो 20 साल 25 साल, तो आज प्रधानमंत्री के उस संघर्ष के, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था, रामलाल जी घूम रहे थे, बहुत सारे लोग वहां पर, देखा अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, ये तो चलो वो लोग हैं जो बड़े लोग हैं जी,
इस आंदोलन में जो लोग रहे हाँ, जो मैं वही कार सेवकों की बात कर रहा हूं। कार सेवक हमको तीन दिन से रोज मिल रहे हैं, हमारे शोज में आ रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां है, क्या देखा उन्होंने 90 में, क्या झेला उन्होंने 92 में, कितने दिन जेल में रहे, कैसे उन्होंने के साथ क्या क्या हुआ, वो तमाम कहानियां चल रही है। एनडीटीवी के तमाम दर्शकों से विशेष रूप से, चूंकि ये बहुत वायरल होता है शो आपका, कल भी बहुत लोगों ने मुझे फोन किया आपके साथ देख के, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और अपने अपने राम में जो हम कहते हैं और सब कहते हैं, राम मंदिर केवल एक प्रतीक मात्र नहीं है, अगर राम का नैतिक आदर्श, राम का राष्ट्र का आदर्श हमारे मन में नहीं है, हमारी जिम्मेदारियां नहीं है, तो फिर ये उत्साह बन के रह जाएगा, फिर वितंडा बन के रह जाएगा। इसलिए राम का जो सेवक है, राम को जो मानने वाला है, वो दिखना चाहिए कि इसके अंदर राम है। राम से और राष्ट्र के जो जोड़ा उन्होंने, आपने एग्जाम्पल जो दिया, 6-7 बार नाम लिया, कैसे राम के जरिए, राम राज्य के जरिए अब हमको काम करना है, एक एक पड़ाव आ गया है, असली पड़ाव आना बाकी है। देखिए समाज में जो विखंडन है, जातियों का विखंडन है, आपने देखा होगा रिपीटेडली दोनों वक्ताओं ने ये बात कही जी, संघ प्रमुख भी यही बात बोले, प्रधानमंत्री ने भी दूसरे तरीके से इस बात को कहा जी। जो सामाजिक विखंडन हमें है, हमें जो जातियों के खांचे हैं, हमें जो अगला पिछड़ा है, हमारे अंदर जो एक अभिजात्य भरा हुआ है दिमाग में सदियों से, पिछले 1000 साल की गुलामी ने हमारे अंदर ढाला है, इसको निपटाना पड़ेगा। वन बंधुओं के प्रति जो हमारा स्नेह होना चाहिए वो लौटाना पड़ेगा। राम जैसे दलितों के, वंचितों के, मल्लाहों के, निषादों के, केवटों के, है ना, वन बंधुओं के, सुग्रीवों के गले लगते हुए दुनिया के सबसे बड़े लंकाधिपति को हरा के लौटते हैं। अगर ये जो वैश्विक लंकाएं हैं अमेरिका की, भारत इन्हें पराजित करना चाहता है, अगर पड़ोस में ये जो दूसरी लंका बैठी हुई है खरदूषण की चीन, इसको पराजित करना है, तो भारत के सारे राम को मानने वालों को, सुग्रीवों को और शबरियों को गले से लगाना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात। और वो इशारा मिला भी, वो इशारा मोहन भागवत जी की बातों में, प्रधानमंत्री की बातों में साफ तौर पर मिला कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम राम राज्य की बात कर पाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राम पे कुछ सुनाते भी रहिए ना कविता जी साथ में। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने, किसी भी वक्ता ने, कोई नकारात्मक बात नहीं की। हाँ बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि वो कहना चाहते थे कि समरसता के साथ आप इस काम को करिए। तो मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, अपने 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 राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार भाई, थैंक यू सो मच। आपको आपको भी इस पल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा, सहज आइए।